नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए 1.3 यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड इंटरवल्स, इन सब के मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम समझें, सपोज मैंने ए लिखा, ए बी सी डी ई। अगर मैं एक कोई बी सेट लिखूँ जिसके एलिमेंट हैं बी एंड सी, अब बी एंड सी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन कर रहे हैं, देयरफॉर बी इज कॉल्ड, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अच्छा रहेगा, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग टू ए देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट का एक सिंबल ये भी होता है, एक सिंबल ये भी होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा अभी। सपोज मैंने एक और लिखा सी ए बी डी एफ। अब देखिए यहाँ पर ए बी डी तो इसके एलिमेंट है पर एफ नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सी नॉट अ सबसेट ऑफ ए, राइट, नॉट बिलोंग टू ए या नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब समझिएगा आप, और सपोज यूनिवर्सल सेट का मतलब भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा सेट जिस भी रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, जिसके रेफरेंस में या क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट के कलेक्शन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सपोज जैसे मैं बोलूँ कि फर्स्ट 10 नंबर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अगर मैं बोलूँ कि ये यूनिवर्सल सेट है, तो आप जो भी मैं क्वेश्चन करूँगा मैं 1 से 10 के अलावा और कोई एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकता। तो यूनिवर्सल सेट मतलब उस गिवन क्वेश्चन का या गिवन इवेंट का या गिवन एक्सपेरिमेंट का सारे पॉसिबिलिटी जो हो सकती है उनके कलेक्शन को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे अगर सपोज क्वाइन को थ्रो करें तो यूनिवर्सल सेट होगा हेड या टेल, रिजल्ट क्या आएगा आइदर हेड या टेल पर पॉसिबिलिटी है। अगर सपोज टू कॉइन को थ्रो करें तो हम यूनिवर्सल सेट मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके कलेक्शन को, जैसे डाइस की बात करें तो क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब डाइस को जब भी थ्रो करोगे इसी का कोई ना कोई सबसेट होगा, राइट। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी सबसेट की, तो सबसेट मतलब जैसे मैं एक और लिखूँ, मान लीजिए मैंने लिखा डी जिसमें एलिमेंट है सी डी ई, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। सपोज एक मैंने लिखा ई, ए बी सी डी ई, ये भी एक सबसेट है, ई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अब ई के सारे एलिमेंट और ए के सारे एलिमेंट सेम है। अब सपोज प्रॉपर सबसेट क्या होता है अगर हम समझें, तो प्रॉपर सबसेट में एक सिंपल सा लॉजिक है कि ए इज सबसेट ऑफ, थोड़ी देर के लिए बोलूँ, या बी इज सबसेट ऑफ ए, राइट, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, दिस इज कॉल्ड सबसेट। यहाँ पर हो सकता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो कम भी हों या इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पर जब हम सेट की बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट होगा मतलब ए बी के इक्वल नहीं होगा। और पावर सेट क्या होता है, यहाँ से मैं आपके कंसेप्ट बनवाता हूँ। सबसे पहले हम बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे सारी बातें क्लियर होंगी हमारे लिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ए इक्वल टू 1, 2, 3, राइट। अगर मैं इसके बोलूं कि टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो याद रखिएगा टोटल सबसेट या कलेक्शन ऑफ टोटल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, और वो होता है 2 पावर n। तो यहाँ पर कितने, इनके अंदर जो एलिमेंट्स, ये वैल्यू लिखी है ना, एलिमेंट्स बोलते हैं, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 2 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 8, यानी 8 एलिमेंट्स हैं वो, सॉरी 8 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से सबसेट बनेंगे देखिएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, empty set, 1, 2, 3, ये सब सबसेट बनेंगे, राइट। टोटल देखिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी सेट और सब इटसेल्फ ये सभी में मिलेगा, पर प्रॉपर सबसेट की बात करें, दिस एंड दिस, ये प्रॉपर सबसेट है, 1, 2, 3 नहीं होगा। इनको जो भी आप नाम दे रहे होंगे इसमें सारे एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो वो 2 पावर n होगी। 2 पावर n में जो सबसेट बनेंगे उसमें 2 सबसेट बाय डिफॉल्ट होंगे, कौन कौन से, एक एम्प्टी सेट, एक इटसेल्फ। रेस्ट जो होंगे उन सबको हम प्रॉपर सबसेट में काउंट कर सकते हैं, राइट। इन सबको हम प्रॉपर सबसेट में काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3 को हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम हो जाएगा। और जब प्रॉपर सबसेट लिख रहे होते हैं तो ये सिंबल आता है, जब सबसेट लिख रहे होते हैं तो ये, मतलब अगर कभी ये लिखा है तो हमें एक बात क्लियर है कि ए के जो एलिमेंट होंगे ए कभी बी के इक्वल नहीं होगा,
राइट और अगर कभी ऐसा लिखा है तो मे बी यहां पर भी हो सकता है ए नॉट इक्वल टू बी और ए इक्वल टू बी, यहां पर चांसेस हैं बट यहां पर कोई चांसेस नहीं होते, राइट तो ये ध्यान रखना। जैसे सपोज एक कोई सेट है ए बी, तो इसके अगर मैं बोलूं टोटल सबसेट क्या होंगे तो आप बोलते हैं एम्प्टी सेट ए बी एंड ए बी, राइट ये टोटल सबसेट होते। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इंटरवल्स की। तो इंटरवल्स को मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और अभी जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट ये सब भी और क्लियर हो जाएंगे। देखिए इंटरवल की बात करूं तो मैं यहां बोलूंगा ये सब पोर्शन फंक्शन में पढ़ा जाता है। अगर हम बोलें जैसे मैंने लिखा x बिलोंग टू 1 4 1 4, आप समझिएगा इससे बहुत जल्दी समझ में आएगा 1 4 1 4 1 4, एक ही एग्जांपल से सारे कंसेप्ट क्लियर करें। फर्स्ट जो है वो केवल सेट के को बता रहा है और इसमें x की टू पॉसिबल वैल्यू होगी, डिस्क्रीट वैल्यू एक 1 और एक 4, यानी देयर आर टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, वन इज 1 एंड अदर इज 4। सेकेंड थर्ड फोर्थ इज कॉल्ड इंटरवल, फर्स्ट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, सेकेंड इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, थर्ड इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज, फोर्थ इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज। तो अब लॉजिकली समझें क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इसमें 1 भी इंक्लूड है एंड 4 भी इंक्लूड है, यानी बिटवीन 1 एंड 4 ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 4 मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, ठीक 4 तक विदाउट एनी ब्रेक। यानी जब कंटिन्यूस वैल्यू देनी होती है तो इंटरवल का यूज़ करते हैं, जब डिस्क्रीट वैल्यू देनी होती है तो हम सेट का या ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, राइट जब आप कभी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो उस समय आपको डिस्क्रीट वैल्यू देनी होती है तो आप इंटरवल ब्रैकेट यूज़ करते हैं वाला, और जब कंटिन्यूस जैसे इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने लिखा x ग्रेटर देन 4 मीन्स 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 4 टू इनफाइनाइट। सपोज मैं लिखूँ x बिलोंग टू 1 2 3 मीन्स x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है। सपोज मैं लिखूँ 2 2 4 इक्वल लिखा है तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 से 4 विदाउट एनी ब्रेक है, तो यहाँ पर हम इंटरवल यूज़ करते हैं। पर जब डिस्क्रीट वैल्यू देनी होती है तो इस तरह के ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन्स यहाँ पर 1 और 4 एक्सक्लूड है, यानी 1 पे ओपन 4 पर ओपन, तो x बिटवीन 1 एंड 4 ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एक्सक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 4 इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। यहाँ पर सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल है, 1 इंक्लूड है 4 इंक्लूड, 4 एक्सक्लूड है 1 इंक्लूड है, तो क्या बोलेंगे 1 यहाँ पर इंक्लूड है तो 1 यहाँ आ गया और 4 एक्सक्लूड है, राइट बिटवीन 1 एंड 4 ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 4। अगर इस वाले क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, 1 और 4 के बीच की सारी वैल्यू 1 एक्सक्लूड है और 4 इंक्लूड है, राइट तो इसे कहते हैं इंटरवल। तो जब कभी इन इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करनी होती है तो हमें इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है, इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट या सेट ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब क्वेश्चंस के साथ आपको ये सारा पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट यस। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चंस लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। मेक करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। जैसे 2 3 4 2 3 4, यस दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन, ए बी सी बी सी डी, डी नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। थर्ड क्या है, बाकी भी आपको बहुत सिंपली बन जाएंगे, x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, मतलब आपके 11th क्लास के स्टूडेंट है x, और ऑब्वियसली ये स्कूल का ही एक पार्ट होगा, दिस इज ऑल्सो सबसेट x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो इस स्कूल में जितनी क्लास है क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, उसी में से एक 11th भी क्लास होगी जो इसका ये सबसेट हुआ, राइट नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बताना विच स्टेटमेंट इज ट्रू और विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। बिल्कुल सिंपल है, ए बी नॉट बिलोंग टू बी सी ए, नो दिस इज सबसेट ऑफ ए बी सी, राइट ये इसका सबसेट है, और यहाँ लिखा नॉट सबसेट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स हुआ। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट ट्रू होता अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, सबसेट, पर यहाँ पर क्योंकि ऐसा लिख दिया ये इसका सबसेट है, बट यहाँ नॉट लिखा है तो इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं ए ई एक्स इज अ बॉबिल, तो ए ई बॉबिल होता है, ये सबसेट है, दिस इज ट्रू। 1 2 3 1 3 5 ये फॉल्स, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, दिस इज ट्रू।
ये ए ब्रैकेट में लिखा हुआ, याद रखिए ए बिलोंग टू ए बी सी लिखा जाएगा, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, राइट, नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्या, लेट ए इक्वल टू 1, 2, ये ब्रैकेट में याद रखिएगा 3, 4, 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। 3, 4 सबसेट ऑफ ए, मैं बोलूंगा नहीं, 3, 4 सबसेट ऑफ ए नहीं है, वाई, क्योंकि 3 not belong to A, 4 not belong to A, 3, 4 belong to A, राइट, 3, 4 belong to A, क्योंकि 3 और 4 एक साथ दिया हुआ है, तो ये इसका सबसेट नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा, राइट, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3, 4 ये पूरा एक साथ ले लिया, बिलोंग टू ए, दिस इज ट्रू, क्योंकि अभी हमने लिखा है ये ट्रू है, 3, 4 बिलोंग टू ए है, पर 3, 4 सबसेट नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, क्योंकि ये पूरा एज एक एलिमेंट काउंट होता है, सबसेट में एक बात याद रखिएगा, पूरा एलिमेंट काउंट होता है, तो ये पूरा एक एलिमेंट जैसा है, और ये ब्रैकेट लगा हुआ, दिस इज ट्रू, 1 belong to A, ट्रू, 1 is subset of A, नहीं, फॉल्स, क्यों, क्योंकि अगर सबसेट लिखना है तो मुझे ऐसा लिखना होगा 1 subset of A, राइट, 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, दिस इज ट्रू, राइट। रिमेनिंग क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे, नोट करिए। यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर फोर, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, केवल एक ही एलिमेंट है तो इसके सबसेट क्या होंगे, ए एंड एम्प्टी सेट, इसके क्या होंगे, ए बी एंड एम्प्टी सेट, राइट, इसके क्या होंगे, 1, इसको भी एक सेट में लिख सकते हो आप, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 itself, 1, 2, 3, एम्प्टी सेट हमेशा एक होगा ही, और एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही होगा, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन का लेंगे तो 7th अपने आप बन जाएगा। 6 को समझिए क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना, तो 7th में इंटरवल दिए हैं, उसको हमको रोस्टर फॉर्म इसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगर फर्स्ट को देखिए, इंटरवल में लिखना है -4 से 6, -4 एक्सक्लूड है या इक्वल टू नहीं है, और 6 इंक्लूड है, तो इसका मतलब इंटरवल फॉर्म क्या होगी, -4 to 6, एक्स बिलोंग टू -4 to 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ -12 से -10 है, और दोनों ओपन है क्योंकि इक्वल टू नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक्स बिलोंग टू 0 to 7, 7 एक्सक्लूड है। फोर्थ को देखें तो एक्स बिलोंग टू हम क्या बोलते हैं, 3 to 4। 7th क्वेश्चन इसका रिवर्स है, ये इंटरवल दिए हैं, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।